वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में प्रीता, निधि और उसके साथ साथ करण के बीच में कई सारी बातें आने वाली हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पलकी राजवीर से गुस्सा है। आखिर में उसके गुस्से की वजह क्या है और उसके साथ साथ यहाँ पर एक नया प्लान बनाकर राजवीर और उसका साथ साथ यहाँ पर अब शौर्य दोनों एक दूसरे के अपोजिट आने वाले हैं। शौर्य राजवीर और शनाया को एक साथ में लाने के लिए और उनको फंसाने के लिए नया प्लान बना रहा है। बहुत कुछ खास हो रहा है, बहुत कुछ खास दिखाया जाएगा। चलिए सारी बातें हम आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। उसे बताने से पहले आप सब जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक तरफ राजवीर और वहीं दूसरी तरफ पलकी, इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत तकरार बढ़ने वाली है। पलकी इस वजह से नाराज है राजवीर से कि आखिर में राजवीर ने उसकी हेल्प नहीं की थी और राजवीर यहाँ पर शौर्य से पहले उसे बचाने नहीं पहुंचा। और वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें जानने के बाद में काफी ज्यादा यहाँ पर अब राजवीर पलकी को मनाने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ अब आने वाले एपिसोड में अपने दोस्त के साथ में मिलकर शौर्य नया प्लान बना रहा है, जिसमें वो यहाँ पर कैमरा वगैरह सब कुछ सेट करके रखेगा और उसके साथ साथ यहाँ पर बस अब राजवीर और उसके साथ साथ शनाया को एक कमरे में भेजने की देरी है, जिसके बाद में जैसे ही दोनों एक दूसरे साथ में आएंगे वैसे ही कुछ ऐसी तस्वीरें ली जाएंगी और कुछ ऐसे सिनेरियोस क्रिएट किए जाएंगे जिससे कि वो एक दूसरे के नजदीक दिखें। और यहीं पर पूरी तरह से पलकी और राजवीर को अलग करने का सबसे बड़ा मोटिव कामयाब हो जाए शौर्य का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये प्लान बन रहा होता है तभी शनाया सामने आ जाती है और उसके साथ साथ प्लान को थोड़ा बहुत घुमाना पड़ता है। अब देखना बड़ा दिलचस्प लगेगा कि शौर्य कामयाब होता है या फिर नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। इसकी डिटेल वीडियो कल सुबह आपको देखने मिलेगी, तो कितने ज्यादा एक्साइटेड कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।